गाइस, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से एक जो लेटेस्ट एसएसडी होता है सेटा थर्ड जनरेशन वाला, उसको आप लगा सकते हैं एक पुराने लैपटॉप में या फिर पुराने डेस्कटॉप पीसी में जिसके अंदर जो सेटा पोर्ट्स हैं वो पुराने जनरेशन के भी हो। अब वो वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और वो वीडियो देखने के बाद में आप में से कई लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने ये बता दिया कि भाई एसएसडी जो है ना पुराने लैपटॉप में या पीसी के अंदर जो है चल जाएगी, लेकिन हमें ज़रा लगा के भी तो बताइए। हमें देखना है कि उसका बेंचमार्क किस तरह से आता है, हमें देखना है कि उसकी स्पीड किस तरह से आती है। तो आइए फटाफट से आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए। मैं फटाक से जाके एक एसएसडी लगा लेता हूँ पुराने पीसी में और फिर देखते हैं कि जो बेंचमार्क हैं, जो रिज़ल्ट है, वो किस तरह से हमें मिलते हैं। तो गाइज़, ये रहा मेरा पीसी, लगभग 10 साल पुराना है। 2013 के आसपास जो है मैंने इसे बनाया था और ये एक हैंड कस्टमाइज्ड पीसी है। जी हाँ गाइज, उस ज़माने में अगर आपको ये आरजीबी फैन और ये सब अगर चीज़ें हैं ना, ये मार्केट में नहीं मिलती थी, तो ये एलईडी वगैरह लेके हमें हाथ से बनाना पड़ता था। तो ये जो सेटअप है, अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब कभी फुर्सत मिले एक बार सेटअप देख लेना। सेटअप दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये जो पीसी है, इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। और मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशन के ऊपर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो सेटा पोर्ट है, मतलब जो सीरियल एटी है जो पोर्ट है, ये सेकंड जनरेशन का है। एंड आई बिलीव ये लास्ट पीसी है जिसके अंदर सेकंड जनरेशन के पोर्ट्स है। इसके बाद में जो भी लैपटॉप आए, जो भी पीसी आए, उसके अंदर थर्ड जनरेशन के पोर्ट आने लगे जिसके अंदर आपको जो एसएसडी का जो स्पीड है वो बिल्कुल पूरा मिलता है। तो यहाँ पे जो एसएसडी है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। एसएसडी है किंगस्टन का A400 और आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि जो एसएसडी है वो ढंग से डिटेक्ट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ लाल कलर के रेक्ट्रैंगल्स में कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, उसके ऊपर आप लोग गौर कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेटा स्पीड है वो भले ही एसएसडी के अंदर थर्ड जनरेशन की सपोर्टेड है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम है ये सेकंड जनरेशन के ऊपर चला गया है। मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो ये सेटा वाले जो एसएसडीज हैं ये बैकवर्ड्स कंपैटिबल है। मतलब ये अगर आप पुराने मशीन में लगा देते हैं तो अपने आप ये अपना जो स्पीड है इसको कम कर लेते हैं, लेकिन जो एसएसडी है वो काम करना शुरू कर देता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए अभी हम जो है लेते हैं इनके बेंचमार्क। और जो बेंचमार्क हैं वो मैंने कई अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से लिया है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल डिस्कमार्क है, उसके बाद में एचडी स्पीड है, एचडी ट्यून है, अट्टो डिस्कमार्क है जो कि काफ़ी पुराना बेंचमार्क है। और आप देख सकते हैं कि लगभग हर बेंचमार्क के अंदर हमें जो रीड एंड राइट स्पीड मिली है वो मिली है करीब करीब 200 Mbps। जो एडवर्टाइज स्पीड होती है एसएसडी के ऊपर वो आपको मिलती है लगभग 450 Mbps। मतलब कहीं ना कहीं जो आधी स्पीड है वो हमें इन एसएसडीज की मिली है। आइए बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, इज़ इट वर्थ बाइंग एन एसएसडी फॉर योर ओल्डर डेस्कटॉप पीसी और योर ओल्डर लैपटॉप। क्योंकि जैसे हमने बेंचमार्क में देखा भाई स्पीड तो सिर्फ आधी मिल रही है, तो क्या एसएसडी में पैसा डालना बिल्कुल बेकार है? क्या यहाँ पर हमें एसएसडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? गाइज, ऐसा नहीं है। मैं आपको दो सॉलिड रीजंस बताता हूँ। पहला सॉलिड रीज़न ये है कि अगर आपके पुराने मशीन में अभी भी हार्ड ड्राइव चल रहा है तो वो जो हार्ड ड्राइव होता है स्पिनिंग प्लेटर वाला, उसकी जो रीड एंड राइट स्पीड होती है वो हार्डली 70 से 80 Mbps होती है। बहुत ही अच्छी हार्ड डिस्क रही तो 100 Mbps तक आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमने एसएसडी लगाया है वो कुछ भी करके उससे डबल स्पीड जो है हमें ऑफर कर रहा है। दूसरा यहाँ पर सॉलिड पॉइंट ये है कि जब भी हम पीसी यूज़ करते हैं, खास करके जब हम बूट अप करते हैं, जब पावर बटन दबाते हैं या हम कोई गेम ओपन कर लेते हैं और वो गेम लोड हो रहा है, तो हमारा जो मशीन है वो कई हज़ारों छोटे छोटे फाइल्स को एक्सेस करता है और यहीं पे जो एसएसडी है वो जीत जाता है। क्योंकि जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होता है उसके अंदर जो हेड होता है, हर फाइल ढूंढने के लिए उसको वो हेड मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी लेटेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे जो एसएसडी होता है, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इसका जो एक्सेस टाइम है, मतलब जो फाइल ढूंढ के निकालना है, वो बहुत ही तेज़ी से होता है। और इसका फ़ायदा आपको मिलता है रैंडम रीड एंड राइट स्पीड में। मतलब आपके जो गेम है वो तेज़ी से खुलेंगे, आपका जो पीसी है वो फटाफट स्टार्ट होगा और आपका जो मशीन है उसको चलाने में आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ कि गाइस बाय ऑल मींस अगर आपका जो पीसी है भले ही पुराने जो सेटा वर्जन के पोर्ट्स हैं उसके साथ में भी आया है, तो आप उसमें बाय ऑल मींस एक एसएसडी लगाइए। जो पीसी है वो चलाने में आपको फ्रेश लगेगा, फास्ट लगेगा और आपको अच्छा भी मज़ा आएगा।
तो गाइज़ अगर आपका मन बन रहा है SSD लेने का तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने कुछ रिकमेंडेड SSDs के बेस्ट बाय लिंक्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट एक बार जाके ज़रूर चेक करें। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि इसके आगे क्या करना है। क्या किसी 20 साल पुराने आउटडेटेड मशीन के अंदर, मतलब जिसमें जो सेटा 1 पोर्ट है उसके अंदर कहीं SSD डाल के देखना है, तो एक बार जो कमेंट बॉक्स है उसको ओपन करके कमेंट अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही गाइज़, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।